सो गाइस, आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं ये पूरे पांच माइक। एंड इन पांचों माइक से मैंने अपनी पूरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की है। एंड यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूँ, ये पूरे पांच माइक रेंज करते हैं फ्रॉम 500 रुपीज टू 10,000 रुपीज। लाइक कैन यू इमेजिन कि 10,000 रुपए का भी माइक हम लोग आज अनबॉक्स करने वाले हैं, जो कि है ये वाला। एंड बहुत लोग जो मेरे से पूछते हैं ना कि मैं कौन सा मेन माइक यूज करता हूँ अपने वीडियोज में, तो वो है मेरा सीक्रेट माइक जो कि है इसके अंदर। एंड मैं तुम्हें ये भी बताने वाला हूँ। सो इन दोनों को अनबॉक्स करेंगे, बट उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी के सबसे पहले माइक को, जो कि मैं अपने सबसे ओल्डेस्ट वीडियो में यूज करता था, जो कि है लॉजिटेक का HD720p वेबकैम। मतलब मैं एक वेबकैम यूज करता था अपनी वीडियो को बनाने के लिए। एंड अगर तुम वीडियो देखोगे तो ये है। सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस न्यू चैनल के न्यू वीडियो पे। तो टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या कर, तो तुम देख सकते हो उसकी साउंड कितनी ज्यादा क्रिंज आ रही है। मेरे को तो सच में बिल्कुल नहीं पसंद। एंड मैं यही यूज करता था उसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये अपना पहला माइक, एंड चलो इसकी आवाज सुनाता हूं तुम्हें। हेलो, दिस इज मी वसाबी, एंड तुम इस वाले माइक की आवाज अभी सुन सकते हो। अभी मैं जा रहा हूं दूर, एंड अभी मैं वापस से आ रहा हूं पास। तो मुझे बताओ कैसा है। आई नो इसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, बिकॉज ये ऐसा ही है। सो या, दिस इज द फर्स्ट माइक। अब हम बढ़ते हैं कुछ मंथ्स आगे की, जब मैं ना अपनी ये वाली वीडियोस बनाता था, तो उस चीज़ के मैंने यूज़ किया था ये वाला माइक। ये कंडेंसर है उन लोगों के लिए जिनको पॉडकास्ट वगैरह सुनना पसंद है। तो इसको मैं ज़रा ओपन करके दिखाता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, ये देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसे गोल्डन इसमें मैश दे रखा है। एंड इसके साथ हमें एक और चीज़ मिलती है, जो कि है इसका मफलर। एंड इससे बेसिकली कोई फ वाली आवाज़ नहीं आएगी, कोई चुभेगा नहीं ये चीज़। तो चलो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। एंड कनेक्ट हो गया ना, उसके वायर को लगाते हैं फिर इसकी आवाज़ सुनते हैं। ओके, सो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। एंड अब मेरी आवाज़ सुन सकते हो कैसी आ रही है। ये माइक का आवाज़ मेरे को बुरा नहीं लगा, काफ़ी अच्छा है एक्चुअली साउंड करने में। बट हाँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा ज़्यादा जैसे छू भी रहा है, पता नहीं। देखो, अभी मैं दूर जाऊँगा तो ऐसा है, अभी मैं पास आऊँगा तो ऐसा है। बट हाँ, मैं इसको यूज़ करना थोड़ा छोड़ दिया हूँ। एंड ये पॉडकास्ट जैसी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। सो या, दैट्स द साउंड। एंड इस माइक का नाम है BM800। एंड ये कॉस्ट करता है 1,500 से लेके 2,000 रुपीज़ तक। ना, अब मैं तुम्हें सीक्रेट माइक बताऊंगा, बट उससे पहले हम अब बात करते हैं अपने इस मेन वीडियो के स्टार के बारे में, जो कि है ये कमाल का माइक, विच इज़ अराउंड 13,000 रुपीज़। एंड तुम्हें पता है माइक USA से आया है, एंड मेरे को इसको लाने के लिए इम्पोर्ट चार्जेस भी पे करने पड़े। सो आई होप दिस माइक इज़ वर्थ इट, एंड लेट्स ओपन इट। So this is our mic, and this mic is called Mod Mic Wireless, and a huge shout out to Antillean Audio जिन्हें मुझे इस माइक को भेजा। एंड तुम देख सकते हो मैंने इसको अब तक ओपन भी नहीं किया, तो मुझे भी नहीं पता कि अंदर से कैसा होने वाला है हर चीज़। बट चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, यहाँ पर है, माई बैड मैम। ये मेरा सबसे पहला स्पॉन्सरशिप होने वाला है, सो रियली बिग थैंक्स टू Antillean Audio फॉर दैट। वाओ, द फर्स्ट थिंग वी गॉट इज अ ब्यूटीफुल केस। यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा है Antillean। एंड चलो इसको ओपन करते हैं। 1, 2, 3, बूम। ओह, तो पहला है ये स्टिकर। ओके, ये क्लीनिंग का ज़्यादातर इसमें दे रखा है। ओके, इसके बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो अपना मेन माइक तो यहाँ पर है, बट उससे पहले ये देख लेते हैं। सो पहली चीज़, जो वायरलेस माइक है उसका तो चार्जर तो होगा ही ना, जो कि नॉर्मल चार्जर जो कि हर फोन में मिलता है। एंड आफ्टर दैट हमें मिल जाता है हमारा ये, आई थिंक ये अटैचमेंट के लिए है, इसको बाद में यूज़ करेंगे आई थिंक। यस, दिस इज़ USB एक्सटेंडर, मतलब कि अगर तुम्हें केबल टाइप लगाना है तो तुम इसको यूज़ करके एक्सटेंड कर सकते हो। एंड फिर आता है अपना मेन, जो कि एक वायरलेस वाला, इसको पुट करते हैं। देन यहाँ पर 3 कलर्स आएगा, जैसे कि इसमें तुम देख सकते हो यहाँ पर शो कर रहा है, दिस इज़ द सेम थिंग। एंड लास्टली हमारा मेन थिंग जो कि है अपना माइक। ओ, दिस इज़ एक्सट्रीमली लाइट। तो यहाँ से देख सकते हो, ये यहाँ पर वो अटैच होता है मेटल के द्वारा। तो ये जो हमें दे रखा है ना, इसमें इसको हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, एंड देन हम इसको इससे अटैच कर सकते हैं। तो ये वैसा वर्क करता है, मतलब कि तुम्हें इसको बेसिकली अपने हेडफोन पर लगाना है, एंड देन बस इसको हेडफोन पर टच करना है, वो ऑटोमेटिकली चिपक जाएगा। तो एक टाइप का गेमिंग माइक जैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले तुम्हें इस चीज़ को अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करना है। एंड तुम देख सकते हो, जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं, इसके ऊपर से एक ब्लू कलर की लाइट जलने लगती है, जो कि बीप कर रहा है। बीप मींस कि अभी तक वो अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ है। ओके, तो मैंने इस चीज़ को कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पर तुम देख सकते हो एक ब्लू कलर का जलता हुआ सिग्नल आ रहा है, मींस कि अभी ये कनेक्टेड है। एंड अगर इसको मेरे को म्यूट करना है, तो मैं सिंपली एक बटन दबाऊंगा एंड ये रेड आ जाएगा, विच इज़ म्यूट। एंड जो तीसरी चीज़ है, आई एम गेसिंग जब बैटरी इसकी कम होती है तब वो ये वाला सिग्नल जलेगा। एंड अभी हम इसकी ऑडियो सुनते हैं, बट उससे पहले मैं तुम्हें अपना सीक्रेट माइक बता देता हूँ, ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सके। तो दिस फोन माइक विच आई यूज फॉर ऑलमोस्ट ऑल माई वीडियोज इज कॉल्ड Honor 9 Lite। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ये माइक, दिस इज़ द फोन। एंड ये भाई चाइना का फ़ोन है, तो मेरे को लगता नहीं उतना हमारे लिए बढ़िया रहेगा लेना। पता नहीं यार, इतना कमाल का माइक कैसे उन्होंने इस चीज़ में दे दिया। एंड चलो इसकी आवाज़ भी एक बार सुन लेते हैं। तो ये मेरी आवाज़ Honor 9 Lite से, एंड हम चेक करते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी आती है। एंड मेरा नाम है वसाबी, आप देख रहे हैं टेक्निकल वसाबी प्लेस। एंड चलिए शुरू करते हैं।
सो अब मेरी आवाज आ रही है मॉड माइक वायरलेस से बाय एंटीलियन ऑडियो, जिसमें तो 12 घंटे का बैटरी लाइफ मिल जाता है एंड इसमें दो ऑडियो मोड्स भी दे रखा है, एक सराउंड के लिए है एंड एक नॉर्मल वाला है। एंड जो भी इस माइक को खरीदना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जा सकते हो। उनकी वेबसाइट पर तुम्हें और भी तरह के माइक्रोफोन, हेडफोन एंड अदर स्टफ्स मिलेंगे जो कि तुम परचेस कर सकते हो एंड दे आर डेफिनेटली वर्थ इट एंड आई फील लाइक इट साउंड्स फ्रीकिंग अमेजिंग। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच एंटीलियन ऑडियो फॉर गिविंग मी दिस माइक। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना एंड टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।